हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम चर्चा करेंगे डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के बारे में। तो प्यारे बच्चों, एक पेपर है उसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी, उसके हम सिलेबस और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में अभी हम जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे SBT का सिलेबस है थर्ड सेमेस्टर में, वो आपका 6 यूनिट पढ़ना है। तो 6 यूनिट में क्या क्या है प्यारे बच्चों, वो हम देख लेते हैं। तो पहला यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। तो प्यारे बच्चों, इस सिलेबस को पढ़ने से पहले, जानने से पहले, आप कंक्रीट के बारे में एक लाइन जान लीजिए। तो प्यारे बच्चों, कंक्रीट है क्या? तो प्यारे बच्चों, कंक्रीट जो है मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? तो बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल में, बाइंडिंग मटेरियल में सीमेंट आता है और लाइम आता है, और लाइम आता है। तो बाइंडिंग मटेरियल प्लस फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट कहने का मतलब है प्यारे बच्चों सैंड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बालू। क्या बोलते हैं? बालू। नेक्स्ट है कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, जिसको हम लोग हिंदी में प्यारे बच्चों बोलते हैं गिट्टी। क्या बोलते हैं? हम लोग जो यूजुअल भाषा में जो बोलते हैं गिट्टी। और नेक्स्ट है एडमिक्सचर, एडमिक्सचर, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। और प्लस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। तो प्यारे बच्चों, पहले देख लीजिए, कंक्रीट एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? सीमेंट का, बालू का, गिट्टी का, पानी का और एडमिक्सचर का। इसका मतलब है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट जानेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट जानेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडमिक्सचर के बारे में जानेंगे एंड प्रॉपर्टीज ऑफ होल कंक्रीट, पूरे बाइंडिंग मटेरियल के बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, तो पहले आप समझ लीजिए, आप कंक्रीट आप देख चुके हैं, नाम भले आप टेक्निकल वर्ड नहीं सुने होंगे, लेकिन ये देख चुके हैं, जब आपका छत का ढलाई होता है तो कंक्रीट के मदद से ही होता है। उसमें क्या क्या होता है प्यारे बच्चों? सीमेंट होता है, फाइन एग्रीगेट जिसको सैंड कहते हैं, हिंदी में बालू कहते हैं। नेक्स्ट कोर्स एग्रीगेट जिसको हम हिंदी में गिट्टी कहते हैं। एडमिक्सचर होता है और रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर होता है। तो इसका मतलब है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमको इसी सब चीज के बारे में पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, पहला जो यूनिट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि सीमेंट कहते किसको है, सीमेंट का फंक्शन क्या है, क्यों हम सीमेंट को मिलाते हैं, कितना स्ट्रेंथ सीमेंट कंक्रीट को देता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से सीमेंट किस पर्पस के लिए यूज होता है और उसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो वो यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे। दूसरा यूनिट है प्यारे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट मतलब, एग्रीगेट कहने का मतलब है फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, मतलब बालू और गिट्टी दोनों का प्रॉपर्टीज हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि किस साइज का एग्रीगेट हमको यूज करना चाहिए प्लास्टर में, किस साइज का एग्रीगेट हम यूज करना चाहिए आपका छत के ढलाई में। आप सुने होंगे कि जब आप प्लास्टर करते हैं तो महीन बालू का प्रयोग किया जाता है, जबकि ढलाई किया जाता है तो मोटे बालू का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है वो हम इस टॉपिक में भी पढ़ेंगे। इसका क्या प्रॉपर्टीज, एग्रीगेट का प्रॉपर्टीज क्या है, तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट यूनिट नंबर 2 में ये सारी बातें पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट है प्यारे बच्चों यूनिट नंबर 3, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। जब हम बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट के बारे में पढ़ लिए, फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट के बारे में पढ़ लिए, तो अब बात आती है होल कंक्रीट का। अब मिलने के बाद कंक्रीट का क्या प्रॉपर्टीज है, कौन सा कंक्रीट हम कहाँ यूज करेंगे, वो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट यूनिट नंबर 3 में। अब बात आता है यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट। प्यारे बच्चों, आप कंक्रीट तो बना लिए, उसके क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करेंगे, कौन कौन सा मेथड है उसके क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, तो वो हम जानेंगे आपके क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंट्रोल यूनिट कंक्रीट यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 5 है प्यारे बच्चों एक्सट्रीम वेदर कंक्रीटिंग एंड केमिकल एडमिक्सचर कंक्रीट। प्यारे बच्चों, अगर आप गर्मी के दिनों में, अगर आप गर्मी के दिनों में कंक्रीट बनाते हैं तो कंक्रीट क्या हो जाएगा, बहुत ही जल्दी हार्ड हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी हार्ड ना हो, तो हम उसके लिए कुछ एडमिक्सचर मिलाते हैं। तो उस एडमिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे कि वेदर पे क्या क्या इफेक्ट करता है, गर्मी के मौसम में कौन सा एडमिक्सचर डालेंगे, आपके ठंडे के मौसम में कौन सा एडमिक्सचर डालेंगे, जाड़े के मौसम में कौन सा एडमिक्सचर डालेंगे, ताकि हमारा कंक्रीट अच्छे से काम कर सके। लास्ट यूनिट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल कंक्रीट। प्यारे बच्चों, बहुत सारे टाइप्स का कंक्रीट होता है, जैसे कि रेनफोर्स्ड कंक्रीट,
प्री स्ट्रेस कंक्रीट, रेडी मिक्स कंक्रीट, तो सारे कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रॉपर्टीज के भी बारे में पढ़ेंगे। ये तो हुआ प्यारे बच्चों इसके सिलेबस का, वो भी थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ये सिलेबस है। तो प्यारे बच्चों इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका इम्पोर्टेंस ये है कि आप एस एस सी जेई का 10 साल का, पिछले 10 साल का, 10 साल का आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइएगा तो एक सब्जेक्ट का नाम होगा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन इस एक टॉपिक से करीब 20 से 25 क्वेश्चन देता है। 20 से 25 क्वेश्चन मतलब टोटल 100 क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चों, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन होता है। तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में और क्या क्या आता है? क्या सिर्फ कंक्रीट टेक्नोलॉजी आता है? नहीं, इसमें प्यारे बच्चों एक टॉपिक थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो वो भी आएगा। उसी में पढ़ना होगा कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल के बारे में, जैसे स्टोन के बारे में पढ़ना होगा, टिम्बर के बारे में पढ़ना होगा, पेंट के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम थर्ड सेमेस्टर के कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सिलेबस को कवर करेंगे, फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सिलेबस को कवर करेंगे, उसके बाद जो भी टॉपिक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच जाता है उन सारे टॉपिक को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम आपको पीडीएफ देंगे, ऑब्जेक्टिव का भी पीडीएफ देंगे, ताकि आपका कंपटीशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरा मेन मोटो होगा प्यारे बच्चों सेमेस्टर के साथ साथ एसएससी जेई का प्रिपरेशन साथ में करना। तो प्यारे बच्चों तो आप इसका वेटेज समझ लें कि 20 से 25 क्वेश्चन आपका एसएससी जेई या किसी भी जेई एन एग्जाम में, किसी भी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में इसका वेटेज इतना होता है, 20 से 25% इसका वेटेज होता है। इसका मतलब है जितना भी आप पेपर पूरे सिविल इंजीनियरिंग में पढ़िएगा उसमें सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो पेपर है कंपटीशन में वो है बीएमसी। बीएमसी में क्या क्या आएगा? कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इसके अलावे भी कुछ मटेरियल आते हैं जैसे कि स्टोन, टिम्बर, उन सारे मटेरियल के बारे में हम लास्ट में चर्चा कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके इंपॉर्टेंस के बारे में समझ लिए। अब ये पेपर है कैसा? तो प्यारे बच्चों ये पेपर है थ्योरेटिकल बट पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि ये हमको देखा हुआ सारा कुछ मिलेगा, जैसे सीमेंट देखा हुआ है, बालू देखा हुआ है, गिट्टी देखा हुआ है, हम छत को ढलाई करते हुए देखे हैं, तो इसी सब चीज के बारे में पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट भी जगेगा। तो हम ये भी पढ़ेंगे, मान लीजिए कि आपके पापा पूछ दिए कि बेटा ये छत का ढलाई करना है तो कितना सीमेंट लगेगा, कितना बालू लगेगा, तो उस क्वांटिटी ऑफ सीमेंट और क्वांटिटी ऑफ सैंड के बारे में भी हम इस टॉपिक में निकालने के लिए जान जाएंगे। तो आपको मजा बहुत आएगा, इंटरेस्ट बहुत आएगा इस टॉपिक में। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे बुक का। तो बुक है जो प्यारे बच्चों इसमें हम जो फॉलो करेंगे, एक बुक फॉलो करेंगे वो है एम एल गंभीर कंक्रीट टेक्नोलॉजी का बुक मांगेगा, एम एल गंभीर का, जो मैग्रा हिल का है, जो आपका कौन से पब्लिकेशन का है, मैग्रा हिल पब्लिकेशन का है, तो इस बुक को भी फॉलो करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इस इंट्रोडक्शन क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 से। थैंक यू।